मॉर्निंग ओडिया विद्यालय रे समस्तनकु स्वागत आज गुटे भलो टॉपिक रे हम डिस्कशन करिबा कि बहुत पिला माननक भितरे ए डर थाए कि मो भाषण त देबी स्कूल ले दिहाय छि ट्यूशन ले दिहाय छि बट केमिति भलो वे रे भाषणटा देई हेबो देखंतु बहिर लेखा अछि सब जिंस डाटा अछि बट केमिति वे रे भाषणटा देले कि समस्त आपनक आडक पूरा नजर हेकि रहिबे किमा देखिबे जपंत भाषण न सरी पूरा ताली रे उड़े दे पारे ओके जो सर भाषण ओके आपको कौन कौन काम करा पड़ो कौ जिनस को ध्यान देवा पड़ो ओके बेस समय नेबेनि ओके तीन चार मिनट भितर भिड सारि ओके ध्यान देखि शुणु जब यही पॉइंट गुड़ा आप सब मानिक चलिए भाषण देला टाइम मुझे गोटे भल निश्चित प्रेजेटर हे भल भाषण देवाई आप योग्य हो ओके आसतु ये जेनेल कर जानुरी छब्बीस बाकी यही फर्मूला आप सब भाषण में यूज करें ओके फास्ट पॉइंट कौन कहती स्टार्टिंग फास्ट मिनिट विल बी द वेरी इंपोर्टेंट कहीं फास्ट जो आम उठिक जाऊ आम सीट रू भाषण दवा जगह पाख को आम टे डरी जाऊ कि लोक बस केमी कह कौन कह ओके किसी असुविधा नहीं दीर्घ निश्वास नहीं पारे आराम से जाकि जगार ढड़ा हे समस्त को पूरा जमी आप घर मानक रोचा बापा माँ भाई भौणी समस्ते तो रोचान आगे भी कथ हो बिलकुल भावतुनि कि मोठू से अधिका जानते मु काले भूल कहीदेवी कि बिल्कुल किसी ना है से सपोर्ट करेंगे आपज आड़ू से डर गुड़ा सब खोली दिंतु काढ़ी दिंतु है भावतु मत आज सबुठ अधिका जना अच्छे जहाँ कह ठीक ओके आडजस्ट विथ एनवायरमेंट फास्ट जो किसी समय आप एडजस्ट हे तो मे बी आप गोटे गीतर स्टार्ट करदेपारे कि गोटे अलग कौन गोटे मैंने प्रू भारू स्टार्ट करें रूढ़ी स्टार्ट करेंगे ओके से गुड़ा कथा कौन ना लोकों आट्राक्शन को फास्ट आप नहींगला कौन हे नर्माल कथार फास्ट स्टार्ट करूँ कि वेदर कंडीशन कौन अच्छी कि पाग आज एमती अच्छी एमती कथा कि जनवरी छमिश आम ये पिला आससे ये जिनस नर्माल स्टार्ट करी लोकों आट्राक्शन टाक पाखक नहीं आसिक धीरे 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 आप टपिक आड़क बढ़े से कौन हम ना लोक आप आड़क पूरा आसी जाइए ढली पड़े ओके से सिचुएसन मनकर किए पार्टी करूँ तो से पार्टी करा कथा कि पिला कथा हो से कथा को लेकिन आम पदे दिपद कथापर लोक आम आड़ की आट्राक्शन नहीं आसवा तापर आम कथा आम स्टार्ट करदे लांगुएज अफ स्पीच बहुत बड़ जिनस आम कौ भाषा स्पीच दौचु भाषण दौचु आईदर ओडिया ना हिंदी ना इंग्लीश कौन से असुविधा नहीं कहीं जो जो प्रकार सिस्टम थाए से प्रकार भाषण दबू बट प्राक्टिस सुड भी रिक्वयर सेटा जीवा आगुरु आम बहुत प्राक्टिस करथुवा दरकार आउ गोटे बड़ कथा कौन स्पीच रे मनकर आम ओडिया दौचु मझेरे मझेरे कौटी आसब कथ आम से हिंदी यूज करदे पार गोटे गोटे भाषा सेंटेन्स कि इंग्लीश यूज करदे पार से गुड़ा कौन पॉजिटिव जिनस पड़े कि आम ओडिया कहूँ ता भितर गोटे इंग्लीश कहीदेव ता भितर गोटे हिंदी कहीदेवु लोकंर आट्राक्शन पलि आस भावे ना ये पिला ठीक ठाक जाणी तुम कथा से ध्यान देदेवे ओके नेक्स्ट पॉइंट कौन कौन अंडरस्टैंड द फिलिंगस अफ द स्पीच बाबू बहुत बड़ जिनस आम बेले बेले कौन कहू ना किए जन आमको ट्यूशन सार लिखिद ना बापा माँ लिखिद आम से लेखाटा को रातिर बस पूरा घोषि दौर दिन सका स्कूल हूँ ना जो प्रेजेटेसन हुए स्पीच हुए आम से जाकि पढ़ीदे भाया कहीदे बट बाबू एटा ही सबुठ बड़ इंपोर्टाट पॉइंट एमती पढ़ा जाए कि घोषिक जामी रचना लेखा जाए सेमती कह जाए मनकर आम गोटे देशभक्ति कथ कौ कि महात्मा गांधी कथा कहचु कि देशर आम संविधान कथा कहचु तेना आम फिलिंगस आमर भितर जो गोटे आत्मा रही कथा रही आम चेहरा रही आम मुह रही तो से कथाटा को सही भाया वे रे कह दरकार ओके मनकर फ्रीडम फाइटर आम कह ना से गोटे फ्रीडम फाइटर थे एमती कहले कथ हेनी आम कह गांधी थे सुभाष थे कि जवाहरलाल नेहरू थे जो टी कथाटा जो प्रकार कह दरकार जदि से कथाटा को आम से फिलिंगस नहीं कि से भावना नहीं कि आम कथा हो ताले निश्चित तो आम कथा समस्ते शुणे आम कथार शैली रही दरकार कौ कथा कौ वे कह दरकार ओके बड़ कथा एटा एटा ध्यान देवे समस्ते ओके ट्राई टू गिव द रिसेंट डाटा बहुत बड़ कथा कहीं आम जो डाटा बहुत पुराणा हो गला 15 वर्ष 20 वर्ष 40 वर्ष से ही डाटा को जब बारंबार कहूँ कि गांधी ये करते सी करते जोटा कि समस्ते जा सारी से कहे ना यहाँ गोटे सतर गोटे लगे भाषण देला भाया भाषण देला मैंने पुराणा भाषण देला भाया गोटे नुआ ढंग से भाषण जो हुए से टाइप रोटी ना कौटे हो पारे तेणु यही वर्षे दि वर्ष भितर कौन नुआ डेभलपमेंट हो देश को कौन नुआ मिली है से डाटा जी आम लोकों कान में पहुँचवा लोकों कथार पहुँचवा ताल लोक निश्चित तुम आड़क आट्राक्शन देवे आम कथा ध्यान देकी शुणे ओके नेक्स्ट पॉइंट कौन कौन ना भयस मॉड्युलेशन भाबू बड़ कथा ओके कौ कथा कहला बेलू भयस उपरू नहीं कथा
କେଉଁ କଥାଟା କହିଲା ବେଳେ ଭଏସ୍ ତଳକୁ ନେଇକି କଥା ହେବା, କେଉଁ କଥାଟାକୁ କହିଲା ବେଳେ ଆମେ ନର୍ମାଲ କଥାରେ କଥା ହେବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ରହିଛି। ମନେକର ମୁଁ ଏବେ କଥା ହେଉଛି, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଉଛି, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଏସ୍ ମଡ୍ୟୁଲେସନ୍ କହନ୍ତି। ମାନେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିକି କଥା ହେବା ଭଏସ୍କୁ, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ନିଚେକୁ କଥା ହେବା। ଓକେ, ଜାଣିଶୁଣିକି ଅନ୍ନେସେସରୀ ଫାଲତୁ ଭଏସ୍ ମଡ୍ୟୁଲେସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଦରକାର ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଉଠେଇବା, ଯେଉଁଠି ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଠି ଆମେ ଖସେଇବା। ବୁଝିହେଉଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ବହୁତ କଳା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଭାଷଣ ଦେବାରେ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମନେ ରଖିବ, ନିଶ୍ଚିତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବ ବାବୁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ସେଟ୍ ୟର୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ବଡି ଆଣ୍ଡ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ୱିଥ୍ ଅ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍। ମନେକର ସ୍କୁଲରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଦିଆହେଇଛି, ବାବୁ ତୁମକୁ 5 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା 10 ମିନିଟ୍ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଘରେ ଲେଖିଥିବ ତୁମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବ, ବଡି ବଡି ଭିତରେ କ'ଣ କହିବ, କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ କ'ଣ କହିବ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେତିକି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ସରୁଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଟାଇମର ଅନ୍ କରିଦେଇକି ଘଣ୍ଟାରେ ହଉ ନହେଲେ ମୋବାଇଲ ହଉ କହିବା ଦରକାର। ଓକେ, 2-4 ସେକେଣ୍ଡ, 10-15 ସେକେଣ୍ଡ, 20 ସେକେଣ୍ଡ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବଟ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରେ ତୁମକୁ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା, ମନେକର ତୁମେ କହିଚାଲିଥିବ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବନାରେ ପଶିକି କହିଚାଲିଥିବ, 10 ମିନିଟ୍ ସରିବନି, ବଟ୍ ତୁମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇନଥିବ, କିଛି ଖାଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ରେ କହିଚାଲିଥିବ, କିଛି ଫାଇଦା ହେବନି ବାବୁ। ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦିଆହେଇଛି, ତୁମର ଯାହା ବି ଟପିକ୍ ଅଛି, ସେ ଜିନିଷକୁ ତୁମକୁ ସରେଇବାକୁ ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ନା ଏଇ ଟପିକ୍ରେ ଏଇ ଏଇ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଓକେ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ନା, କନ୍କ୍ଲୁଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଓପିନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ୍। କେବେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିବନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇକି ହିଁ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କି ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହିଁବ, ମୁଁ ତ ଏଇଆ କହିଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, ମୋର ସ୍ପିଚ୍ ଏଇଆ ଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଆ ଉପରେ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଜାଣିପାରିବେ କିମ୍ବା କହିପାରିବେ କି କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ। ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଟପିକ୍ରେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର କ'ଣ ନ ହେବା ଦରକାର। ବିଲିଭ୍ ମି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅନେଷ୍ଟଲି କହୁଛି, ଯଦି ଏମିତି ୱେରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେବ, ତୁମକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ତାଳିରେ ମାନେ ବର୍ଷା କରେଇଦେବେ, ମୁଁ ଅନେଷ୍ଟଲି କହୁଛି। ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାରେ କାମ କଲେ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେବାରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୁଝି ହେଉଥିବ। ଓକେ, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍, ରଖୁଛି।